सो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मूवीज़ फॉर योर रिएक्शन में। और दोस्तों, आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ एवनी सिरमन नारायण के हिंदी ट्रेलर के ऊपर, जिसका नाम रखा गया है एडवेंचर्स ऑफ सिरमन नारायण। और आज मैं इसी ट्रेलर को देखने वाला हूँ। हालाँकि कल ही इस ट्रेलर को रिलीज़ किया गया था, और जब मैं इसके हिंदी वर्जन को, हिंदी ट्रेलर को ढूंढ रहा था तो मुझे नहीं मिली उस वक्त। और रात में मैंने जब इसके हिंदी ट्रेलर को जब ढूंढा तो मुझे वो मिली, तो फाइनली आज मैं देखने वाला हूँ उसके हिंदी ट्रेलर को। हालांकि कन्नड़ वर्जन को मैंने उस पर रिएक्शन भी दिया है, आप उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ट्रेलर मुझे काफ़ी पसंद आया और काफ़ी लंबा ट्रेलर था और काफ़ी बेहतरीन। तो चलिए जल्दी से पहले इसके हिंदी ट्रेलर को देखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं और भी रिलेटेड रिएक्शन देखने के। तो चलिए पहले जल्दी से इसके हिंदी ट्रेलर को देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। पुष्कर फिल्म्स, ये स्टार्टिंग का काफी लाजवाब दिखाया है। जानकर अच्छा लगा कि सबका ध्यान मुझ पर। तो फिर ध्यान से सुनो, एक कहानी सुना। हर नायक के हिस्से में दो लड़ाइयां होती हैं। जो म्यूजिक है वो काफी शानदार डाला गया है। वाओ, begin the tale. खोजने के लिए खोजना तो पड़ेगा ना, थोड़ा कितना खोजने के बाद कुछ निकला, मतलब नाइस। कोई तीसरा खिलाड़ी मिले वो खेले तो हम सब जान, खोजे तो लाखों जवाब। लेकिन जब एक आवाज तुम्हें खोजते हुए आए तो तुम्हें करना होगा सही सवाल। Legend. Super. Nice. Boom. नारायण सुपर
Lizzie in 5 hours. Nice. गजब। ट्रेलर काफी सुपर्ब है और कल ही मैंने इस ट्रेलर के बारे में डिस्कस भी किया था और हिंदी ट्रेलर देख के और भी ज्यादा मजा आया। लेकिन गड़बड़ी क्या हुई है? और गड़बड़ी यही हुई है कि इस हिंदी ट्रेलर को शायद ज़्यादा लोगों ने हिंदी ट्रेलर को नहीं देख पाया होगा, क्योंकि जिस बैनर पे ये हिंदी ट्रेलर रिलीज़ की गई है, दिस यूट्यूब चैनल पे लोग उसे ज़्यादा जानते नहीं हैं। और कल मेरे साथ भी यही हुआ, मैं ढूंढ रहा था हिंदी ट्रेलर लेकिन मुझे कहीं पे दिखाई नहीं दी, और फाइनली रात को मुझे वो ट्रेलर दिखाई दी, रात को मिली वो ट्रेलर मुझे। और ऐसे ही लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी ट्रेलर कहाँ है और उन्हें मिल नहीं रही है, ऐसे बहुत होता है। और मुझे लगता है कि इस ट्रेलर को कोई बड़े YouTube चैनल पे अपलोड करना चाहिए था, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को अनुभव करें जिस मूवी को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और जैसे कि मैंने कल ही बात की थी, इस मूवी का जो सेट्स है, लोकेशन है, वो काफ़ी लाजवाब होने वाला है। बिल्कुल काउबॉय स्टाइल में ये मूवी हमें प्रेजेंट करती है, और जो फाइटिंग स्टाइल हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी वो कुछ अलग होगी, काफ़ी लाजवाब होगी। एक सिंगिंग स्टाइल की तरह हमें इस फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगी, जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस देने वाले हैं, ट्रेलर में भी उन्होंने कमाल कर दिया है, तो मूवी में काफ़ी बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस होने वाला है। और सबसे ख़ास बात कि उन्होंने हिंदी ऑडियंस के लिए भी अपनी खुद की वॉइस दी है, जो कि सबसे खास बात है। और जिस तरीके से आजकल एक्टर कर रहे हैं, हर एक लैंग्वेज में अपनी वॉइस दे रहे हैं, वो काफ़ी लाजवाब लगता है सुनने में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उस लैंग्वेज पे वो ढलें। और रक्षित सेट्ठी ने भी यही किया, वो अपनी वॉइस दे रहे हैं हिंदी में भी, और कमाल का वॉइस है उनका, काफ़ी कमाल की पकड़ है। और इससे पहले हमने किच्चा सुदीप सर को भी देखा, वो दबंग 3 में भी अपनी वॉइस देने वाले हैं, फिर पहलवान मूवी में भी उन्होंने अपनी वॉइस दी थी। तो हैंडस्ट्रोक सर, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और ये मूवी काफ़ी दमदार होने वाली है, और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये ट्रेलर पहुँचे, लोग इस मूवी की ओर आकर्षित हो, जो कि अगले मंथ रिलीज होने वाली है, यानी कि इसी साल अगले मंथ रिलीज होगी, और ज़्यादा दिन नहीं बची है इस मूवी के लिए। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया जाएगा, और काफ़ी शानदार, जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी शानदार सा ट्रेलर है। तो अगर आप लोगों ने ये ट्रेलर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, और हर एक लैंग्वेज में ये ट्रेलर रिलीज हो चुकी है, तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, और मेरा रिएक्शन कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक।